प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी जी, और भी कोई? राहुल गांधी भी तो है। किसी को नहीं। क्यों? सब छोटा है। क्या सब चोर है? सब चोर है। केजरीवाल तो ईमानदार व्यक्ति है। हाँ तो केजरीवाल तो यहीं से ना है। नहीं, केजरीवाल तो खत्म है। खत्म है। यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से जीतेगा सिग्रीवाल। सिग्रीवाल जी। क्यों लालू जी को नहीं देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं। देख लिए, अब क्या मर जाएंगे तो देखेंगे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इधर चाचा बोलिए। क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी का आशीर्वाद दे दिए। 40 के 40 है सीट। पूरा फूल फूल फूल। 40 के 40। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोल रहे हैं? दूसरा को ये कहला दिया है, कोई प्रधानमंत्री लाइक बा। ओहो, मैं नहीं थे। यानी कि हमको कैंडिडेट प्रधानमंत्री से मतलब है? दोनों से मतलब है। दोनों से सब ठीक है। सब ठीक है। मोदी जी का विश्वास है 24 में सब? इस बार 40 के 40 सीट आएगा कि कुछ कम आएगा? पूरा आएगा। पूरा आएगा। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बनेंगे बिल्कुल विदाउट फेल। लोग बोल रहे हैं हवा बदल रहा है। हाँ, लोग बोल रहा है, बोलने दीजिए। हवा नहीं बदल रहा। क्या हवा नहीं बदल रहा है? मोदी जी का आशीर्वाद दे दिए। हाँ जी, जी, हाँ हाँ एकदम। मोदी जी निश्चित रूप से अच्छा। उसके जैसा नेता कहाँ कोई है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कोई वर्ल्ड में नहीं है। राहुल गांधी है ना, 12,000 किलोमीटर। अरे पप्पू है। पप्पू है क्या है? पप्पू है। अरे पप्पू है, लप्पू है, और क्या है? तब मतलब मजाक बनाइएगा उनका। हाँ तो मजाक सही बात कौन है? तो मजाक है। क्या लग रहा है चाचा? अपने मजाक है। तब क्या लग रहा है? 400 पार हो जाएगा। अच्छा, लोग बोलता है ईवीएम हैक कर लिया है मोदी जी। लोग को कहने दीजिए, चमड़ा का मुंह है जो जिसको वो लगता है बोल रहा है। हाँ। ईवीएम हैक हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का है, उसको वैलिड कर दिया। सब पगला की तरह बात करता है। सब दीजिए, हम उसके साथ हैं। यानी विकल्प चाहिए मोदी का, बेहतर विकल्प दीजिए। राहुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। केजरीवाल? केजरीवाल को जेल से निकालिए तो सही। ममता दीदी? ममता दीदी को बंगाल रहने दीजिए। बंगाल काफी बड़ा है, समझाने देश का मामला है। है? देश का मामला है। देश का मामला है। मोदी से बेहतर विकल्प मिले हम निश्चित उसके साथ जाएंगे। ये चीज देखिए, एक वोटर तक को पता है कि हमें विकल्प चाहिए। फुचका गोलगप्पा का दुकान है, टुक टुक गोलगप्पा भंडार। लोग भी यहाँ पे है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और भी लोगों से पूछेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी जी, और भी कोई? राहुल गांधी भी तो है। किसी को नहीं। क्यों? सब छोटा है। क्या सब चोर है? सब चोर है। केजरीवाल तो ईमानदार व्यक्ति है। हाँ तो केजरीवाल तो यहीं से ना है। नहीं, केजरीवाल तो खत्म है। खत्म है। यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से जीतेगा सिग्रीवाल। सिग्रीवाल जी। क्यों लालू जी को नहीं देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं। देख लिए, अब क्या मर जाएंगे तो देखेंगे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इधर चाचा बोलिए। क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी का आशीर्वाद दे दिए। 40 के 40 है सीट। पूरा फूल फूल फूल। 40 के 40। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोल रहे हैं? दूसरा को ये कहला दिया है, कोई प्रधानमंत्री लाइक बा। ओहो, मैं नहीं थे। यानी कि हमको कैंडिडेट प्रधानमंत्री से मतलब है? दोनों से मतलब है। दोनों से सब ठीक है। सब ठीक है। मोदी जी का विश्वास है 24 में सब? इस बार 40 के 40 सीट आएगा कि कुछ कम आएगा? पूरा आएगा। पूरा आएगा, 40 से 40 आएगा। चलिए देखिए, और भी अब यहाँ पे आ रहे हैं। शिवम ड्रग स्टोर यानी दवाई की दुकान है। हम यहाँ पे लोगों से पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है। देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी बनेंगे या फिर मोदी जी? मोदी जी, मोदी जी बनेंगे बिल्कुल विदाउट फेल। लोग बोल रहे हैं कि हवा बदल रहा है। हाँ, लोग बोल रहा है, बोलने दीजिए। हवा नहीं बदल रहा। क्या हवा नहीं बदल रहा है? मोदी जी का आशीर्वाद दे दिए। हाँ जी, जी, हाँ हाँ एकदम। मोदी जी निश्चित रूप से अच्छा। उसके जैसा नेता कहाँ कोई है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कोई वर्ल्ड में नहीं है। राहुल गांधी है ना? 12,000 किलोमीटर। अरे पप्पू है। पप्पू है क्या है? पप्पू है। अरे पप्पू है, लप्पू है, और क्या है? तब मतलब मजाक बनाइएगा उनका। मजाक सही बात कौन है? तो मजाक है। क्या लग रहा है चाचा? अपने मजाक है। तब क्या लग रहा है? 400 पार हो जाएगा। अच्छा, लोग बोलता है ईवीएम हैक कर लिया है मोदी जी। लोग को कहने दीजिए, चमड़ा का मुंह है जो जिसको वो लगता है बोल रहा है। हाँ। ईवीएम हैक हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का है, उसको वैलिड कर दिया। सब पगला की तरह बात करता है। सब एकदम सही बात है। क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? क्या लग रहा है सर, कौन जीतेगा? अब कौन जीते? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो जो है वही रहेंगे, जो स्थिति है अभी देश का। मोदी जी। हाँ, बिहार में क्या होंगे वो कहना मुश्किल है।
क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है बिहारी का? बिहार का मुद्दा है सबसे बड़ा शिक्षक बहाली में घोटाला। शिक्षक बहाली? हाँ जी, हम भी बीपीएससी से आए हुए हैं, शिक्षक बने हैं, लेकिन जिस तरह का खेल चला है इससे मामला है जो 1-2 सब में खेल चला है। खेल चला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना। कोर्ट सुन रहे हैं कितने शिक्षकों की बहाली को रद्द करने वाला है? अब वो तो कोर्ट का मामला है, वो क्या करेंगे वो कोर्ट जाने। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए सब्जी वाले भैया भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ भी चाचा आए हैं, देख लीजिए क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी नहीं, का सरकार बनता ही नहीं है, कैसे बनेगा? ओहो, जो सरकार बनता ही नहीं है, क्या लग रहा है इस बार सर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको बनवा रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग ने बनाइएगा, आप वोटर नहीं है। अरे आप बोलिए ना, मेरा तो काम है पूछना। अच्छा, आपको पूछने से क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मोदी का बताइए, मोदी का बेहतर विकल्प दीजिए, हम उसके साथ हैं। यानी विकल्प चाहिए? मोदी का बेहतर विकल्प दीजिए। राहुल नहीं है? नहीं है, नहीं है। केजरीवाल? केजरीवाल को जेल से निकालिए तो सही। ममता दीदी? ममता दीदी को बंगाल रहने दीजिए, बंगाल काफी बड़ा है, समझाने दीजिए। देश का मामला है, देश का मामला है, देश का मामला है। मोदी से बेहतर विकल्प मिले हम निश्चित उसके साथ जाएंगे। ये चीज देखिए, एक वोटर तक को पता है कि हमें विकल्प चाहिए। इंडी गठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि लगातार जब दो दो बार किसी कैंडिडेट को अगर आगे करते हैं, वो हाशिए पे जब चला जाता है तो जनता भी खोजती है बेहतर कैंडिडेट। यानी कि बिहार की जनता, सारण की जनता का कहना है कि हमें बेहतर विकल्प दीजिए। मोदी जी से बेहतर अगर विकल्प है तो आप बताइए, हम उसको वोट दे देंगे। फिलहाल यहाँ की जनता को मोदी जी से बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे जगह चलेंगे, वहाँ का भी हाल हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए बिहार पे सभी खबरों का हालचाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।